दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास कार्यक्रम दुनिया मेरे आगे के साथ हाजिर हूं, मैं सोनिया सिंह। हमारी आज की पेशकश में बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की आज कोविड 19 पैंडेमिक की तबाही से सुस्त पड़ी दुनिया में स्टेट हेड्स की मुलाकात के इंपोर्टेंस के अलावा दुनिया में तेजी से बदलते मंजरनामे पर अमेरिका और भारत के दोस्ताना रिश्तों की अहमियत पूरी दुनिया जानती है प्राइम मिनिस्टर के हालिया अमेरिकी दौरे के आउटकम की बात करें तो इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पोटेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कॉपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ टेक्नोलॉजी ट्रेड टैलेंट ऑफ आर पीपल ट्रस्ट ऑफ नेचर पर दोनों देशों के साझा बयान जारी किए गए हैं इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अलावा लीडर्स समिट काफी अहम है। हम अपने इस खास प्रोग्राम में इन्हीं इश्यूज़ की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद <laughs> रहेंगे रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमैट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी नमस्कार है <laughs> और साथ ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा हम आप दोनों का वेलकम करते हैं भारत के पास बॉर्डर इश्यूज हैं चाहे चाइना हो पाकिस्तान हो अब अफगानिस्तान भी आ, उधर जापान के पास शायद वो सिर्फ एक आइलैंड्स का इशू है ऑस्ट्रेलिया के पास मोरोलैस ट्रेड और कॉमर्स का इशू है आ, जो यूएस है यूएस ओवरऑल एक पिक्चर देखता है चाइना को एक थ्रेड देखता है तो सबसे बड़ा क्वाड में जो इशू है बॉर्डर इशू वो तो इंडिया को है तो क्या आपको लगा इस बार मीटिंग में अमेरिका में कि कहीं ना कहीं जो ऑकस है उसने ओवर किया है क्वाड मीटिंग को या नहीं ऑकस में क्या ये इशू हो सकता है भारत का नहीं ज्वाइन करने का भी वैसे तो उनको ऑफर भी नहीं मिला होगा कि यू के साथ आ, बहुत ईजी नहीं होता है ज्वाइन करना और तीसरी बात ये कि आ, ये एक माना जा रहा था कि ऑकस का होना और फ्रांस को आ, एक तरह से नाराज़ करना क्या बहुत सारा टाइम लग गया फ्रांस को फिर से मनाने में और फिर ये ओवर शेडो इसीलिए हुआ कि एक हफ्ते का टाइम तो उसी में लग गया सोनिया इसमें तीन चार वर्जन्स हैं इसको समझने के लिए पूरे की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए पहला तो ये जैसा सर ने कहा ना कि हम मिलिट्री अलायंस के लिए तैयार नहीं हैं हम क्यों तैयार नहीं हैं क्योंकि हम आज भी कोल्ड वॉर प्रिज्म से उसको देखते हैं द मोमेंट वी से कि हम अलाय कर रहे हैं यूएस के साथ हम वो पिछले दशकों में पहुंच जाते हैं जहां हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस जो है यूएस का यहां पे बन गया और कहीं ना कहीं आप बायपोलर वर्ल्ड में आप एक छोटे से मोहरे बनकर रह जाते हैं यूएस के पहला तो वो हट गया है ना तो कोल्ड वॉर रहा ना पे ना ही यूएस एक आ, पोल रह गया है और ना ही इंडिया एक इतनी छोटी पावर है जिसको मोहरे की तरह ट्रीट किया जा सकता है पर कही कहीं ना कहीं मैंटेलिटी जो है वो अभी भी उसी लेंस से इसको देख रही है तो हम चाहते भी हैं कि हमारा मिलिट्री अलायंस हो बट कहीं ना कहीं हम ठिठक जाते हैं क्योंकि फिर आपको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिटेंसी को भी आ, जवाब देना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं दूसरा ये कहीं ना कहीं ऑकस को ये देखा जा रहा है कि ये मिलिट्री अलायंस है क्वाड स्ट्रैटेजिक है दोनों में अंतर है ऑकस ने क्या किया सिर्फ इंडिया को ही थोड़ा बहुत खलबली नहीं चाहिए फ्रांस को भी किया है क्योंकि फ्रांस जो एक रेजिडेंट पावर है इंडियन ओशन में हुँ. तो यहाँ पे उसको कैसे दरकिनार किया जा सकता है कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है तो ये जो है ऑकस को इनफैक्ट इंडिया और जापान पर्टिकुलरली जो क्वाड के मेंबर हैं अदर देन ऑस्ट्रेलिया और यूएस इंडिया और जापान के लिए तो एक मौका है कि अपने को क्वाड से भी ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस करने का इनफैक्ट जो ऑकस है वो हमारी एग्जिस्टिंग क्वाड की स्ट्रेंथ को ऑन ही करेगा एडवांटेज ही रहेगा बजाय कि ये देखने क्योंकि जो बाकी तीन मेंबर्स हैं ऑकस के जो ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस तीनों के साथ इंडिया की कोई ऐसी विशेष इशू नहीं है बल्कि अच्छे बायोलैट्रल्स हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं यूएस के साथ तो ऑलरेडी हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं यूके के साथ आगे क्यों बढ़ेंगे क्योंकि अब यूके को भी पोस्ट ब्रेग्जिट जब पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो पोस्ट ब्रेग्जिट यूके भी तो अपने पार्टनर्स ढूंढ रहा है और यूके के लिए इंडिया से बेटर कौन पार्टनर होगा एशिया में क्योंकि चाइना जो है वो अपने रंग यूरोप में भी दिखा चुका है Correct. जब हम बात करते हैं सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की और यहाँ से ट्रेन जाती है सामान भर के और किस तरीके से चेकबुक डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत शुरू शुरू में दाना डाला गया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को बट दे हैव आल्सो बिकम वेरी ऑफ चाइनीज़ मूवमेंट्स तो जो अब हम ये टोटल देखें कि यूएस किस तरीके से किस सर्कमस्टानसिस में जूझ रहा है यूके क्या होने वाला है पोस्ट ब्रेगजिट जैसे जैसे पोस्ट ग्रेग्जिट एकदम कोविड हो गया तो इतना समझ में नहीं आया कि आप किस तरीके से ट्रांजिट कर रहे हो एज ए सक्सेसफुल नेशन एज ए सक्सेसफुल इकोनमी तो यू भी देखेगा ऑस्ट्रेलिया इधर है हाँ हमारे जो क्वाड में क्या है क्वाड में हम एक ऐसे मेंबर हैं जापान के अलावा जिसका कि बहुत मेजर इशू है जापान के पास एटलीस्ट पाकिस्तान जैसा नेबर नहीं है तो हमें वो है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत छोटा सा प्यादा कि इस तरह चाइना इस्तेमाल करता है कोई भी बात होती है तो चलिए प्रॉक्सी वॉर के लिए ये वैसे ऊपर से अपनी इमेज और अपने रिलेशनशिप इंडिया से ठीक रखता है तो सम टोटल में ये आता है कि इंडिया को नंबर वन पहले तो स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री उसमें अंतर समझना चाहिए दूसरा मिलिट्री अलाइंसिस कितने हद तक बढ़ाए जा सकते हैं उनको कोल्ड वॉर के प्रिज्म से ना देखें तीसरा ऑकस और क्वाड को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना देखें ये देखें कि हम क्वाड के मेंबर हैं तो ऑकस हमारी किस तरीके से मदद करेगा ऑकस को एक नई वो नहीं होने वाली है जो हमारे हितों के लिए खतरा बनेगा क्योंकि दो मेंबर तो उसके क्वाड में ऑलरेडी हैं तो हमें उसको एज ए एड ऑन देखना चाहिए एज एन एडेड वैल्यू देखना चाहिए टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और उसके साथ दोस्तों का अब आप समझिए कि क्वाड का भी और ऑकस का मैसेज किसको जा रहा है सब कुछ बन रहा है चाइना के लिए तो वो तो इंडिया के फेवर में है ही है तो कहीं ना कहीं जिसमें इनडायरेक्टली फ्रांस को भी आगे मनाया जाएगा और यूके और भी ऐड हो जाता है आप समझिए क्वाड में यूके भी ऐड हो गया है तो विश्व की सारी पहली पाँच छः ताकतें यूके फ्रांस जापान ऑस्ट्रेलिया सब कुछ मिल रहा है यूएस है सबका एक समन्वय हो रहा है हाँ इस सब ग्रुपिंग का नाम दूसरा है इस सब ग्रुपिंग का नाम दूसरा है इसका एम दूसरा है इसका एम दूसरा है पर आप अल्टीमेटली इसकी इमरजेंट प्रॉपर्टी देखिए अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये इंडिया के ही हित में है और इंडिया के हित में इसलिए है कि बोल्ड स्टेटमेंट चाइना को जाता है हम लोगों की कभी वॉर का कंडीशन नहीं आने वाली है बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉग स्टेटमेंट जा रहा है कि देखिए हमारे पास इतने सपोर्टर हैं और चाहे पाकिस्तान तो खुली किताब है कि सब में समझ में आ रहा है कि भाई किसके उकसाए पे चलता है किस कितना उसको दबाया जा सकता है कितना नहीं दबाया जा सकता क्या करेगा तो ये हमारे लिए सम टोटल एक मुनाफे का और आप कहेंगे फ़ायदे का ही मूव है तो जैसे चीन कहता है कि कॉट जो है वो बिल्कुल सफल नहीं होगा और ये बिल्कुल बेकार साबित होगा नहीं ऐसा नहीं होगा देखिए मैं पहले ऑकस के बारे में ज़रा एक मिनट बोलना चाहता हूँ कि ऑकस के बारे में सरकार में कोई खलबली नहीं है।, है सरकार तो इस चीज़ को अच्छे से समझती है कि ऑकस का रोल अलग है और कॉड का रोल स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक स्फीयर में है इवन कमर्शियल स्फीयर में भी है आ, चाइना में सप्लाई चेन्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई हैं कई सालों से Uh, क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था अच्छी वर्क कल्चर थी uh, लेकिन जब परेशानी आई कोविड के वक्त में तब दुनिया ने ये समझा कि ये पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट तो उससे जो है उनको एक अननेचुरल कंट्रोल मिल गया जो कि बाकी मुल्कों के हित में नहीं था तो वहाँ से सप्लाई चेन्स थोड़ी सी निकलेंगी मैनुफेक्चरिंग uh, को हटाया जाएगा पर्टिकुलरली जो कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं और उसमें इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है लेकिन तब आएगी जबकि अपने यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा वातावरण करेंगे हाँ। और जो चाइना की आपने थ्रेड की बात करी तो जैसा शीतल ने कहा कि कोई देखिए ऐसा कोई इमिनेंट वॉर अब यहाँ पे ऑकस के बारे में मीडिया में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि जैसे कि आज ही वॉर होने वाली है वहाँ पे अगर चाइना के 200 शिप्स हैं तो हमारे ऑकस के और उसके कोड के इतने क्यों नहीं हैं ऑकस क्यों आ गया बीच में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमने कोड का एक मतलब क्या है कि चाइना पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना कि चाइना अपनी मनमानी नहीं कर सकता है आ, अपने एरिया में अपने मुल्कों के दूसरे मुल्कों के साथ में साउथ चाइना सी में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं चाइना वो उनको रोकनी चाहिए अपनी मनमानी रोकनी चाहिए तो वट वी वट वी से रूल्स बेस्ड ऑर्डर उसको मानना चाहिए जो कि चाइना अभी बिल्कुल टोटली रिफ्यूज़ कर देता है जजमेंट आता है कोर्ट का और उसको चाइना कहता है कि हम में कोई मतलब नहीं है hmm. तो फिर किस चीज़ का मतलब रहा तब तो आपको देजावू हो गया ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इसी तरह से हिटलर भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता था तो वॉट हम इस दुनिया में इस दौर में चल रहे हैं जिसमें चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है एंड दुनिया की उसकी चीज़ों को कोई टोटली इग्नोर करना है तो उस सिचुएशन में आ, सारे दुनिया के मुल्क आ, एक साथ खड़े अगर हों तो मेरा ख़्याल है चाइना पे असर पड़ेगा अगर चाइना को इग्नोर करेंगे तो चाइना अपनी मनमानी और बढ़ाता रहेगा Uh, तो आई थिंक ये कॉड एक अच्छा कदम है और uh, कॉड में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं uh, कॉड के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सारे ऑब्जेक्टिव्स अभी क्लियर नहीं हैं धीरे धीरे इवॉल्व होंगे और आपको क्या रोल मिलेगा बायलैटरल uh, कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम छोटा सा ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग में हम किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं और हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बताया उन्होंने ऑकस के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स uh, भी सिमिलर हैं अगर चाइना के परिपेक्ष में इसकी रचना हुई है तो ऑकस की भी चाइना के परिपेक्ष में हुई है तो क्या रोल ऑकस करेगा क्या रोल कोड करेगा क्या आपस में कोऑर्डिनेशन होगा क्या और दूसरे कंट्रीज से भी होगा फ्रांस फ्रांस का भी पैसिफिक में बहुत इंटरेस्ट है hmm. तो क्वाइट फ्रेंकली आई एम अबिट सरप्राइज दैट फ्रांस हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ बोथ एंड ग्रुपिंग जी तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद फ्रांस को लेकर जो जो सवाल सर ने उठाया कि ये एक बहुत अ, 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 एक अलग तरह का सरप्राइज भी आगे दे सकता है इस तरह की भी चर्चा थी अमेरिका के बारे में लेकिन अगर हम क्व के ऊपर ही लेकर आए चर्चा को तो जैसे एक टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट भी आया है तो अ, चाइना की बात की जाए चाइना अभी ग्लोबल इकॉनमी में वन थर्ड सिंगल नेशन है जो आ, आ, देता है अपना कॉपरेशन देता है या अपना उसका हिस्सा है सप्लाई चेन्स जैसे कि सर ने बोला कि वो सारी कॉन्सनट्रेटेड है वहाँ पर खासकर सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड ओवर तो क्या लगता है जैसे क्वाड अगर साथ में आता है और सप्लाई चेन्स को चाइना से हटाकर इंडिया जैसे कंट्रीज़ में ला ला कर फिर भारत को उससे फ़ायदा हो सकता है अभी कोई शायद एक ताइवान की कंपनी के साथ हुआ भी है मैनुफैक्चरिंग का सोनिया सर्टनली बहुत सारा जो मैनुफैक्चरिंग है वो चाइना को एडवांटेज है वो इसलिए है क्योंकि जो इनका प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था और डेवलपमेंटल जो दो तीन दशक इन्होंने लगाए हैं उसका ये आज फल प्राप्त कर रहे हैं अगर इसको देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं रेस में मिस कर गया डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जनसंख्या में भी ज़्यादा अंतर नहीं है हमने कहीं उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पाया जो भी आप कर लीजिए हमें डोमेस्टिक कोर्स करेक्शन अपने तो करने ही करने हैं अगर आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट चाइना की तरफ हो गई डिस्पाइट द फैक्ट कि कम्युनिस्ट रिजीम था बट उन्होंने इतना लिबरली उसको मैनिपलेट uh, किया और उसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया कि पूरा का पूरा वर्ल्ड वहाँ पे देख रहा है वन थर्ड तो है ही वो हिस्सा पूरी ग्लोबल इकोनमी का अगर कॉन्ट्रीब्यूट uh, करते भी हैं और किस तरीके से करते हैं कि बड़े नेशंस के साथ तो उनका अच्छा बिजनेस चलता है छोटे नेशंस के ऊपर चेकबुक डिप्लोमेसी और uh, आप एक तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल की बात करते जैसे हन बन तो श्रीलंका श्री में हुआ अफ्रीका में किया सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में किया अब बाकी कंट्रीज जो हैं जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड हैं आप यूके को मान के जापान को मान के चलिए हम हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साउथ कोरिया हमारा बहुत ही अच्छा अलाय बनेगा अगर आपको ऑर्डाकूस आप उसकी भी बात करते हैं तो साउथ कोरिया में भी वो पोटेंशियल है क्योंकि साउथ कोरिया के अपने कंसर्नस हैं नॉर्थ कोरिया को लेकर और एट द सेम टाइम चाइना को लेकर तो साउथ कोरिया जैसी मिडिल रंग पावर्स अगर आप इनको कहेंगे कि ना इधर कोर है नॉर्थ सेमी पेरीफेरी हैं पेरीफेरी हैं तो जो मिडिल पावर्स हैं इनको यूनाइट होना पड़ेगा फ्रांस को हाँ थोड़ा हद तक धक्का जरूर लगा पर अब आप फ्रांस देखिए फ्रांस एक ओनली द ओनली पावर नाउ यूएन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर जो यू में बच गया है पहले दो थे तो ब्रिटेन ब्रिटेन के रूप में यूएस ने अपना अलाई खो दिया एक तो ईयू में फ्रांस रह गया अगर फ्रांस को भी ज्यादा वो हो गया तो एक और अलाय खत्म हो जाएगा विच यू एस के नॉट अफोर्ड टू डू सो बिकॉज नैटो में यू एस का इंटरेस्ट है आज भी कहीं ना कहीं नेटो बरकरार है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप यू एन की बात करते हैं जब आप नेटो की बात करते तो कहते हैं दे आर नो लॉन्गर सिग्निफिकेंट ये तो ख़त्म होती जा रही है इनकी relevance क्या रह रही है पर कहीं ना कहीं आप इनको बार 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 जो है चर्चा में लाते हैं यूज़ में लाते हैं इनके फ्रेमवर्क से देखने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से जो नई हमारे व्यवस्थाएं उभर रही हैं जैसे ऑकस है या क्वाड है इनको हम बहुत ज़्यादा हाइप से देखना चाह रहे हैं बट इनको इवॉल्व होने में टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं जो पुरानी हैं और जो नई समीकरण निकल कर आ रहे हैं उन सब में एक कॉमन एलिमेंट क्या रन करता है कॉमन एलिमेंट यही रन करता है कि जो लिबरल हैं डेमोक्रेटिक हैं अलाइंसिस हैं वैल्यूज हैं इन सब का एक कन्वर्जेंस है और सारी इस तरीके की ताकतें जिनमें एक सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट है कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर दूसरे को चैलेंज पोज करती हैं क्योंकि इस ज़माने में किसी भी एक ताकत के पास क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजिक की बात करें जैसे नाटो है या वॉर्सॉप एक्ट था या आ, कुछ भी था वहाँ पे एक कंट्री पे अटैक जो था वो पूरे के उस पर समझा था आज भी वही है हालांकि वो लिखा पढ़ा नहीं गया है कहीं पे भी बट सम टोटल उसका अंतर ये, मूल यही निकल कर आता है अगर आप उसका समराइज uh, करें उसको तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक उसी दिशा में बढ़ रहा है कि वहाँ आप ये तो नहीं कह सकते कि यूएस लीडर है या रशिया लीडर है बट कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट जो है लोगों को इकट्ठा कर रहा है ग्रुपिंग्स में इफ़ नॉट ब्लॉक्स अगर मैं ब्लॉक टर्मिनोलॉजी कोल्ड वॉर की है तो अब ग्रुपिंग्स हैं ग्रुपिंग्स में सब अपना हित देखते हैं हाँ जो एक ही ग्रुपिंग के हैं उनके भी आपस में प्रॉब्लम है जैसे हमारा यू से ट्रेड पे हो जाता है यूके से भी ट्रेड पे है बट एक फ्रांस एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा कोई भी मसला नहीं है अगर आप देखें तो फ्रांस के साथ हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप है और विच इज़ इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली अंडर अप्रिशिएटेड है अगर किसी को देखा जाए तो ईयू में यूरोप में कौन सी ऐसी ताकत है जिसके साथ हमारे सबसे अच्छे संबंध है तो मैं कहूंगी फ्रांस के साथ है hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं कोई खटक नहीं उनके साथ डिफेंस hmm. है ट्रेड है सब कुछ है पर कहीं ना कहीं अंडरस्टेटेड है अंडरमाइंड है क्योंकि ईयू यूके ईयू ये सब जो है हमारी इमेजिनेशन uh, को हमारी आई ग्लोबल इमेजिनेशन को डोमिनेट करते हैं और कोई कुछ गलत नहीं हो रहा तो कोई आइडेंटिफाई भी नहीं करता तो फ्रांस के साथ बड़े ही मधुर संबंध अपनी धीरे धीरे रफ्तार पर चले जा रहे हैं और बढ़े जा रहे हैं तो सम टोटल ये है कहने का अर्थ ये है कि ग्रुपिंग्स बनेंगी अपने इंटरेस्ट पे बनेंगी ग्रुपिंग के अंदर मेंबर्स की आपस में एक, स, एक दूसरे के साथ हो सकती है परसीव्ड अदर जो है yeah. वो भी इतना खतरनाक नहीं है जैसे अभी चर्चा हुई थी कि ऐसा कोई डेंजर नहीं लूम कर रहा है हमारे ऊपर कि कल ही चाइना के साथ कुछ ऐसा हो जाए चाइना का अपना इंटरेस्ट है हमें ऐसे वॉर ना करने में और पाकिस्तान सोचता रहे कि चाइना उनके बहुत हितैषी है ऐसा एब्सोल्युटली नहीं है कुछ हुआ यूगर प्रोविंस में तो आप देखिएगा कि किस तरह क्रैकडाउन होगा वहाँ पर भी वो उनके चश्मे से अपने आप को नहीं डील करने वाले पर जो परसीव्ड अदर भी है वो भी इतना ज्यादा अदर नहीं है उसमें भी कुछ कुछ फ्रिक्शंस हैं कुछ डायरेक्ट हेड ऑन पॉइंट्स ऑफ कोलिजन या कॉन्फ्लिक्ट हैं बट उनको भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े डिप्लोमैटिकली स्ट्रैटेजिकली जो प्रेशर बिल्डिंग है टैक्टिक्स उससे डील किया जा सकता जी, है जी यूगर प्रिवेंस का जो मसला है वो उठाया गया था यूएन की स्पीच में तो उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूँगी और साथ ही जैसे इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं हम कि जो क्वाड ग्रुपिंग है उससे भारत को कितना फ़ायदा और कितना डिफरेंट तरह का फ़ायदा ट्रेड एंड कॉमर्स का हो सकता है जैसे हमने चीन की कंपनी देखी एवरग्रांड या फिर हम देख रहे हैं कि इस समय वहाँ पर बिजली संकट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और या तो ये माना जाए कि वो जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं उसमें पोल्यूशन ना हो उसकी वजह से उन्होंने कटौती की हुई है जो भी उसके रीज़न्स हैं तो अगर वहाँ पे सप्लाई चेन्स ख़राब होती हैं और ये सप्लाई चेन्स कहीं और ट्रांसफ़र होती हैं तो ये जो क्वाड के कंट्रीज़ हैं इस सब का फ़ायदा उठा सकते हैं देखिए ये तो ज़रूर हो सकता है क्वाड की ग्रुपिंग इस वजह से नहीं बनी है जो उसका रेजो दैत्र है क्वाड की स्थापना पहले ये अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पुरानी ग्रुपिंग है और इसमें मिलिट्री डायमेंशन भी थी फिर इंडिया को जोड़ दिया गया और फिर शुरुआत हुई फिर बीच में बंद हो गया अब पिछले तीन चार सालों से आ, एक्टिव हुआ है तो क्लियरली इसको सोचा गया है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में तो ये जियो पोलिटिकल डायनामिक्स ऐसी सिचुएशन होती है हमने ब्रिक्स डेवलप कर दिया हम ब्रिक्स का हिस्सा बने ब्रिक्स को बनाया गया ये सोच के जिस वक्त में कि अमेरिका के खिलाफ एक काउंटर पॉइज एक काउंटर वेट की ज़रूरत है एक डिफरेंट नैरेटिव रखने की ज़रूरत है अब हमको समझ में ही नहीं आता कि ब्रिक्स हमारे फ़ायदे में है या हमारे नुकसान में है क्योंकि ब्रिक्स में चाइना बैठा हुआ है तो हमें बाहर किसी से डरने की जरूरत नहीं हम तो चाइना से ही हमारा खतरा है सबसे ज़्यादा जी। तो ये डायनामिक्स बार बार हर धीरे धीरे इवॉल्व होती है और चेंज होती रहती है तो कॉड की इस सिचुएशन में हुई है अब चूंकि मिलिट्री रोल नहीं है तो मिलिट्री के अलावा नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन माइनस मिलिट्री

चाइना के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं और चाइना के ख़िलाफ़ एक स्टैंड लें जैसे प्रधानमंत्री ने अपने यूएन के भाषण में भी जो प्रसंग में रखा yeah. चाइना के खिलाफ बातें वो वही चीज़ है दैट ही इज़ रेजिंग दी एंटी अगेंस्ट चाइना दूसरी कंट्रीज yeah. भी इसी तरह से बात करते हैं अब साथ में उनको मालूम है कि चाइना का किस तरह से इन्फ्लुएंस दुनिया में ज़्यादा है तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सबसे बड़ी बात जैसे जिक्र हुआ कि सप्लाई चेन्स को हटाना पड़ेगा वहां से yeah. और चाइना की ट्रेडिंग लिंक्स ट्रेड डिपेंडेंस नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड डिपेंडेंस अब जैसे इंडिया में आप कर सकते हैं yeah. आप हमने चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया चाइनीज इन्वेस्टमेंट yeah. और चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में अब इसमें रुकावट डाली जा रही है yeah. और वो कुछ ना कुछ चाइना के एग्रेसिव पोस्चर पे और हमारे भी यहाँ भी ऐसा हो रहा है दैज अगेन लिंक टू चाइनीज एग्रेसिव पोस्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 में आ, साथ में मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के का मेंबर था और उस वक्त चाइना से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आया करते थे इवन स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी एरियाज में और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन आज की तारीख में वो नहीं करेंगे तो चाइना का रुख हमारे लिए फर्क पड़ गया है चाइना का रुख दुनिया के लिए फर्क पड़ गया है टेंसेंट और अली बाबा को भी मना किया था जी हाँ जी और और कोरोना के वक्त में कोरोना की जो पूरी जेनेसिस जिस तरह से आई और उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी लोगों में शक फैल गया कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि यह वायरस जो है वो मैनमेड है चाइना ने जानबूझ के इसको आगे बढ़ाया है इट इज़ देयर वे ऑफ इंस्टिगेटिंग अ थर्ड वॉर अगेंस्ट दैट मे बी टू फार फेस्ट बिकॉज जब बात निकलती है तो उसको बात बहुत बढ़ चढ़ के हो जाती है hmm. लेकिन ये बात तो शर्तिया है कि उन्होंने शुरू में इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया अगर वो इंफॉर्मेशन शुरू में शेयर करते ट्रांसपेरेंटली uh, बाकी दुनिया में और उसको दबाने की कोशिश नहीं करते तो शायद हम कोविड से लड़ने में ज़्यादा सक्षम, सक्षम हो पाते हुँ. तो ये बहुत सारी बातें हैं दुनिया ने बहुत सारे लोगों को खोया है और अमेरिका में बहुत गु़स्सा है इंडिया में भी बहुत गु़स्सा है सब जगहों पे बहुत गु़स्सा है कि भाई ये इसकी शुरुआत जो है वो चाइना से हुई और कुछ ना कुछ तरीके से चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी तो मैं आखिर में आप दोनों से एक एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी कि जो पीएम मोदी की जो यूएस यात्रा थी उसको आप किस तरह से सफल देखते हैं और साथ ही जो इंडियन सी से मुलाकात हुई उसको किस तरह से देखा जाएगा क्या इन निवेश बढ़ेगा भारत को फायदा होगा देखिए मोटे मोटे तौर पर एक बहुत अच्छी विजिट थी बहुत जरूरी विजिट थी और उन्होंने Uh, uh, जो जो करने की अपेक्षा uh, थी वो सब उन्होंने किया uh, मोदी जी बड़े कॉम्प्रहेंसिव हैं अपनी अप्रोच में uh, कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं तो उन्होंने सारे पी आई ओ इज़ अ बिग एंगल फॉर अस इंडिया यू एस में चार मिलियन लोग बाग हैं और बहुत तरक्की नुमा हैं बायलैटरल uh, रिलेशनशिप के लिए भी बातचीत हुई uh, उन्होंने यू एन में एक चाइना और पाकिस्तान के पहलू भी उठाए इनडिरटली तो सब चीज़ें उन्होंने करके आए ड्रोन की भी बात हाँ सारी चीज़ें <laughs> तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी विजिट रही और ये एक मोमेंटम देता है इंडिया मैं सिर्फ उसको मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहता आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया यूएस को एक अपने ही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है और उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इस विज़िट से मिलेगा जी और साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हारिस के साथ जो मुलाकात हुई उसको भी आप किस तरह से देखते हैं सोनिया उससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी कि जो पांच सी से प्रधानमंत्री वहाँ मिले वो बड़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक कंपनीज कह सकते हैं हम स्ट्रेटेजिक इन द सेंस कि आप सोलार फर्स्ट थी कॉलकॉम थी एडोप थी ब्लैक थी और एक जनरल अटामिक थी इन पा, इन पाँचों कम्पनियाज़ कंपनीज का अगर आप आ, वो देखें कार्य देखें तो वो इन्वेस्टमेंट में है वो एनर्जी में है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है और ब्लैकस्टोन जो है वो उसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें वो काम करते हैं अब इन सब का मिलने का उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं आप आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए हमारे हमारी, हमारी डेवलपमेंट के एजेंडा में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए दूसरा उन्होंने मुलाकात की पी आई ओ से सर ने बताया कि फोर्टी मिलियन फोर फोर मिलियन तकरीबन चालीस लाख लोग हैं hmm. चालीस लाख लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिप्लोमेसी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुंस करते हैं हमारी सॉफ्ट पावर है वहाँ पर एक हमारा चेहरा है वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इकोनॉमी में बहुत बढ़िया तरीके से और वैसे भी वापस भी देश में करते हैं अच्छा तीसरी बात यह है कि जहाँ तक बात रही दौरे की और होप और हाइप की होप हमेशा रखिए बट ओवर हाइप मत कीजिए है ना कि पता नहीं आज ही कुछ हुआ मैजिक वैंड घुमाया और कुछ ऐसे टेबल पे आ जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं इनकी दिशा इनकी गति अपनी साधारण गति से चलती है बहुत आप फिफ्थ गियर किसी में नहीं डाल सकते और ये नहीं सोच सकते कि आज ही कुछ हो जाएगा स्टॉक मार्केट नहीं एकदम बढ़ गई और क्रैश हो गई कमला हैरिस हाँ पर्टिकुलरली वो बात रही थी कि बाइडन ने कहा भी था शायद मोदी जी से कि इस चेयर पर हमेशा डेली वो ऑक्यूपाई करते हैं जो इंडियन ओरिजिन <laughs> के रहते हैं इससे आपके मस्तिष्क में कहीं जहन में आपका रहता है कि आप देखिए किससे बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया की नेशनैलिटी है इमेज है हालांकि वो पूरी यूरोप अमेरिकन हो चुकी हैं वहाँ से ताल्लुक रखती हैं पर कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता है वो टूटता नहीं है तो जड़ों पे आप वापस जाते हैं और वो जो डीलिंग है कि हाँ आप किससे बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं देखिए ओबामा जी बहुत अच्छे प्रेजिडेंसी संभाली आठ नौ वर्ष पर कहीं ना कहीं हमेशा आ, एक रेस को रिप्रजेंट करते रहे तो वो जो जहन में रहता है एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है आप उसको पॉजिटिव नज़र से देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं सब्सटैंडिवली देखते हैं तो वो बहुत ही आपको उसमें फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करता है और एज ए वाइस प्रेसिडेंट हाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और करती रहेंगे और इंडिया को तो जरूरी अच्छी दृष्टि से देखेंगी अगर इंडियन ओरिजिन की ना भी होती तो भी रफ्तार वहीं चल रही थी और सही दिशा में चल रही थी और अब तो और भी उसमें चार चांद लग सकते हैं तो यही लबोलबो आप निकाला जाए कि जो चार मुलाकातें हुई हैं उसमें कॉमन थीम एक तरह से इंडो पैसिफिक ही रहा है और जो पीएम मोदी अमेरिका गए हैं तो जो रिश्ते हैं उनमें एक नया अध्याय एक तरह से लिखा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो कॉड के देश हैं उनमें जो केमिस्ट्री है वो और प्रगाढ़ होगी आप स्टूडियो में आए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही आप अपनी राय और सजेशन्स हमें ई मेल पर मेल कर सकते हैं हमारा ई मेल है डी डी उर्दू स्पेशल्स एट जी मेल डॉट कॉम इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदाब